हाय गाइस, कैसे हो आप? आज बनाएंगे हम वेज स्प्रिंग रोल। अब काटेंगे हम ग्रीन कैप्सिकम जूलियन कट में। आप देख सकते हैं ज़्यादा मोटा भी ना काटें, ज़्यादा पतला भी ना काटें। इसके बाद काटेंगे हम येलो कैप्सिकम के बाद काटेंगे हम रेड कैप्सिकम। देख सकते हैं आप, बढ़िया से काटें। इसके बाद काटेंगे हम कैबेज को ज़्यादा बारीक ना काटें, हल्का मोटा, जिससे कि हमारा वेजिटेबल गले ना। आप देख सकते हैं। इसके बाद काटेंगे कैरेट को भी अच्छी तरह से काटें जूलियन कट में। और ये आप देख सकते हैं, इसी प्रकार और भी काटें। और ये हमारा वेजिटेबल ओके हो गया, ये हमारा कट के रेडी है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बनाना रोल की सब्जी। ऑयल डाला, इसके बाद डालेंगे हम चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर, अच्छे से टॉस करेंगे, ऑनियन, 3 बेल पेपर्स, और इनको हम अच्छे से टॉस करेंगे। आप देख सकते हैं बढ़िया से टॉस करें। इसके बाद ऊपर से कैबेज डालेंगे, कैबेज एंड कैरेट, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं डाला हमने कैबेज। इसके बाद डालेंगे इसमें एरोमेट पाउडर, सॉल्ट, सोया सॉस डार्क, चिल्ली पेस्ट, थोड़ा और मार देते, ऑयस्टर सॉस ज़्यादा ना डालें, सेसमी ऑयल, देख सकते हैं सेसमी ऑयल डाला, और इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। और वेजिटेबल को देखें तो ज़्यादा ना गलाएं, क्योंकि स्प्रिंग रोल खाते टाइम वेजिटेबल्स मुंह में लगना चाहिए, थोड़ा क्रंचीपन आना चाहिए वेजिटेबल में। इसके बाद हम पलट देंगे, पलटने के बाद इसको ठंडा करेंगे, और जब हमारा वेजिटेबल ठंडा हो जाएगा इसको बढ़िया से ठंडा करें। ठंडा करने के बाद एक साफ डस्टर लें और उसमें डालते रहें। फिर आप देख सकते हैं इसको बढ़िया से निचोड़ें, जिससे कि हमारा रोल बिल्कुल ही गीला ना हो जाए, ज़्यादा भी ना निचोड़ें, हल्का निचोड़ें। यह आप देख सकते हैं इतना ही निचोड़ें, जिससे कि हमारा रोल गीला ना हो। और इसी तरह पूरा इसको निचोड़ के बढ़िया से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी हमारा रेडी हो गया। चलो दोस्तों रोल बनाते हैं। ये हमारे पास रोल शीट है, देख सकते हैं दोस्तों, इसमें से हम एक एक पीस करके निकालेंगे। हाँ, और बढ़िया करके रखें, नहीं तो वो सूख जाएगी, सूखेगी तो बहुत ही हार्ड हो जाएगी, फिर रोल बनाने में दिक्कत हो जाएगी। निकालते टाइम एक के ऊपर एक रखते रहें, जिससे कि वो सूखा ना हो, ज़्यादा कड़क ना हो। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह सारे रोल की सीट निकाल दी है।
इसके बाद इसमें हम डालेंगे ऊपर से गीला टेस्टर, सूखा ना डालें, गीला टेस्टर डालें जैसे कि रोल की सीट सूखे ना। इसके बाद दोस्तों कुछ रोल की सीटें लेंगे और उसके हम चार पीस कर लेंगे, देख सकते हैं, ज़्यादा बड़े भी ना करें छोटे भी ना करें। और इन सीटों को हम रोल के अंदर डालेंगे जिससे कि हमारा रोल और भी क्रिस्पी हो और एक दो दिन हम स्टॉक रखें तो ख़राब ना हो। इनको भी एक एक पीस करके निकालें। अंदर से ये वाला ये छोटा सा पीस डालने से रोल का सीट, उससे क्या होता है हमारा रोल बहुत ही क्रिस्पी होता है और ऑयल भी नहीं पीता रोल। इसके बाद बनाएंगे हम बैटर, ये डाला हमने, मैदा डाला, फिर कॉर्नफ्लोर, चलो रोल ज़्यादा बनाने हैं थोड़ा मैदा और डाल देते हैं और इतना ही कॉर्नफ्लोर वो डालेंगे। जब बैटर बनाते हो तो बैटर में मैदा कॉर्नफ्लोर बराबर रखें। इसके बाद डालेंगे पानी, पानी डाल के बढ़िया से मिक्स करें और शुरू में ज़्यादा पानी ना डालें बैटर बनाते टाइम, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं और हमारा बैटर तैयार है और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं कितना मोटा है। चलो दोस्तों रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लिया हमने एक रोल, इस रोल का सीट एक पीस निकालेंगे, आप देख सकते हैं बढ़िया से नीचे रख दें। इसके बाद इसमें आप वेजिटेबल डालें, वेजिटेबल डालने के बाद एक छोटा पीस रोल ये सीट कर लें, हल्का सा बैटर लगा दें, बैटर लगाने के बाद उसमें छिपा दें और फिर रोल को फोल्ड करें आराम से, आराम से करें नहीं तो रोल की सीट फट जाएगी और आपका रोल ऑयल पी लेगा। और इसके बाद इसमें फिर बैटर लगाएंगे, आप देख सकते हैं बैटर लगाने के बाद हल्के हाथों से रोल करें और रोल थोड़ा टाइट होना चाहिए, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार एक हम और बनाएंगे, आप देख सकते हैं वेजिटेबल डाला, रोल का पीस लिया उसमें डाला और इसको रोल करेंगे, देख सकते हैं दोनों साइड से फोल्ड करें, हल्का बैटर लगाएं और उसके बाद फिर रोल करें। तो आप देख सकते हैं हमारा रोल इतना बढ़िया बना है, देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं दोबारा नीचे बैटर लगाएं, ऊपर से एक छोटा पीस रोल का लगा दें बैटर लगा के और फिर वेजिटेबल डालें, वेजिटेबल डालने के बाद फिर इसे रोल करें, दोनों साइड से फोल्ड करें, और बैटर लगाएं, फिर और रोल को रोल करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इतना बढ़िया बना है। और ये देखो मैंने बहुत सारे रोल बना दिए हैं, मुझे आला काट के लिए रोल बनाने हैं, ये देख सकते हैं हमारे मैंने हमने पूरे रोल बना दिया है। चलो दोस्तों अब इनको करेंगे रोल के आगे पीछे, आप देख सकते हैं कैसे कॉर्नफ्लोर का बैटर में और प्लस ड्राई कॉर्नफ्लावर में इनको डस्ट करेंगे जिससे कि हमारा रोल जब फ्राई करेंगे तो ऑयल ना पी ले, देख सकते हैं दोस्तों इसी प्रकार सारे रोल हमें बैटर प्लस कॉर्न स्टार्च में
डस्टिंग करना है और इसके बाद फ्राई करेंगे हम। तो ये देखो दोस्तों, इसके बाद हम धीरे धीरे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इस प्रोसेस से अगर आप रोल बनाएंगे तो आपका रोल बहुत ही क्रिस्पी बना रहेगा और ऑयल भी नहीं पिएगा। आप देख सकते हैं, और मुझे ये फुल डन नहीं करने, अभी मुझे हाफ डन ही करने हैं, तो मैं इनको निकाल दूंगा। ये देख सकते हैं दोस्त, कितने बढ़िया बने हैं। तो देखा दोस्तों आपने, ये हमारे रोल हाफ डन तैयार हैं। इसके बाद 3 पीस फिर फ्राई करूँगा फुल डन। आप देख सकते हैं, ये डाला मैंने प्लेट में मेयोनीज गार्निश में। ये देखो हमारे रोल ब्राउन हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी। आप देख सकते हैं रोल बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। इसके बाद इनको हम काटेंगे, देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और कितने बढ़िया बन रखे हैं। और इसके बाद इनको प्लेट में डालेंगे, देखिए दोस्तों और इसमें डालेंगे ऊपर से हॉट गार्लिक सॉस। हॉट गार्लिक सॉस डाला, इसके ऊपर से स्प्रिंग अनियन, लाइक करें